सो वेल हे गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सारी लेडीज। और ये वाला स्टॉक ब्लैक हॉल का है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, अभी है मतलब 10 एक किलो होगा। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे हो नीचे का स्टॉक होगा तो पूरे छोटे छोटे पीसेज हो गए, बट नहीं, क्योंकि जब मैं स्टॉक क्लीन की थी तो सारे बड़े पीस मेरे नीचे चले गए थे, तो अभी ये वाले जो है सारे बिग बिग चंक्स है, मतलब मीडियम से बिग चंक्स है। देखो देखो चूरा थोड़ा बहुत होगा क्योंकि क्लीन ही है, छोटे क्रम्बल्स जैसे हो गए। ये देखो, ये है शेडिंग वाला ब्लैक हॉल। ठीक है, बहुत अच्छे और बड़े बड़े चंक है, और ये नेचुरली रेड कलर होता है किसी किसी क्ले में, तो हल्का फुल्का आ जाए तो प्लीज़ बेयर कर लेना। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो एक साथ बहुत सारे पार्सल्स जाते हैं। अब एक एक पार्सल में अगर मैं चुन चुन के एक एक पीस डालने बैठूंगी तो मेरा पूरा दिन इसी में चला जाएगा। ठीक है, मतलब फिर भी मैं अच्छे से जिसका जो ऑर्डर है उसको उसी तरह का चीज़ देती हूँ। अब तक सारे कस्टमर्स के आप लोग रिव्यू ले सकते हो, स्टिल मुझे 3-4 घंटे चले जाते। अभी देखो यहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ कुछ पार्सल्स हैं, एक सेकंड देखो पार्सल्स को मैंने ब्लर कर दिया था, ये कुछ पार्सल्स अब भी डिलीवर होने हैं। ठीक है, तो हमारा इस तरह से चलता रहता है और बहुत सारे पार्सल्स होते हैं, एक साथ सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा किसी एक हाथ चंक में कुछ आ जाए तो प्लीज़ बेयर कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो किसी कस्टमर की ऐसी कोई एज सच कंप्लेन नहीं आई है, और कस्टमर्स भी समझते हैं सिंगल हैंडेडली कितना सारा काम होता है। ठीक है, ब्लैक हॉल का ये जो स्टॉक है ना, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। ये देखो ये कितना बड़ा चंक है, ऐसे चंक में देती हूँ लोगों को तो उनको लगता है कि मैं कुछ और दे रही हूँ। अरे पर आप इसको जब तोड़ते हो ना, ये टूटेगा नहीं शायद मेरे से, वेट आई विल ट्राई, नहीं टूट रहा। ये देखो तोड़ा मैंने, तोड़ोगे ना तो आपको भी सेम शेडिंग मिलती है जैसे मुझे मिल रही है, आप लोगों को भी सेम चीज ही दे रही हूं। मैंने कोई अलग से झाड़ तो नहीं लगा रखा है ना कुमट का घर में, या खेती तो नहीं हो रही है मेरे घर में कि मैं अलग से दिखाऊं कुछ और दूं कुछ और। जिसको जा रहा है उनको समझ आ रहा है कि सेम ही स्टॉक है। ठीक है, ये देखो ये सारे ब्लैक हॉल है और बहुत बड़े चंक्स अभी और है अंदर। मैंने ये दूसरा ग्लव्स पहन लिया है, बट ये यहाँ से ऑलरेडी ऐसा पहले से आया था। देखो, तो जिनको लग रहा है कि मेरी क्लेज महंगी है और बहुत कॉस्टली है, तो मैं बहुत बार वीडियो में बता चुकी हूँ, बता बता के थक चुकी हूँ। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मेरा जो नकोमट है, मैं कोई मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। मैं एक जगह से लेके मैंने अब इसको अपने पास रख के सेल कर रही हूँ। ठीक है, बड़े सप्लायर से लेके, और जो लोग सस्ते में दे रहे हैं वो लोग भी जो रेट लगा रहे हैं ना उसमें भी वो लोग से भी कम रेट लगा सकते हैं, बट स्टिल मैन्युफैक्चरर हो के भी वो लोग ये रेट लगा रहे हैं। चलो ठीक है, सब अपने नसीब का खाते हैं। ठीक है, भगवान ने जिसके हक में जितना लिखा है उसको उतना मिलता है, हम कोई नहीं होता डिसाइड करने वाले कि इसको कितना मिलना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये चंक है हमारा ब्लैक होल का। तो फिर आप लोग प्लीज़ कंपेयर मत करो कि ये वाला फलाना सेलर इतने में दे रहा है, आप इतने में दे रही हो, आपको मर्जी है आप वहाँ से ले लो, बट आपको क्ले क्वालिटी में फ़र्क दिखेगा, वीडियो में फ़र्क दिखेगा, हर चीज़ में फ़र्क दिखेगा, उनके चंक्स और हमारे चंक्स में फ़र्क दिखेगा। ठीक है, तो कंपेयर बिल्कुल मत करो, बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगती मुझे कोई भी अगर कंपेयर करता है तो। बहुत बड़ा चंक है, ग्रिप नहीं मिल रही है, टूट नहीं रहा है। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी होता है, उनको ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगता। मुझे ये स्टॉक यहाँ मुंबई लाने में काफ़ी खर्चा लगा है, GST भरी है, ट्रांसपोर्टेशन भरा है, तो ऊपर से पैकिंग में मैं आपको कोई भी ऐसे पंखे के बॉक्स नहीं दे रही हूँ, या फिर कोई यूज्ड बॉक्स नहीं दे रही हूँ। सारे बॉक्स जो है, सारी पैकिंग थैली है जो है, सब कुछ न्यू परचेज किया हुआ है। तो आप लोग एक बार अगर ऐसा आपको लग रहा है ना रेट बहुत महंगा है, मार्केट में थोड़ा रेट निकालना इन चीज़ों का, आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा कि मेरे रेट बराबर है कि नहीं। ठीक है, सब कुछ बल्क ऑर्डर करना पड़ता है, बहुत टफ काम है ये, इजी काम नहीं है, लगता है इजी है बट बिल्कुल इजी नहीं है।
ठीक है, मुझे होल सेलिंग के लिए भी कई सारे लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें भी बिजनेस करना है और होल सेल रेट दे दो होल सेल। तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे पड़ रहा है वही रेट आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी स्मेल है, बहुत अच्छी। ये देखो, ये मेरा फेवरेट चंक है, ये प्रॉपरली ब्लैक होल चंक है, इतना ज़्यादा डार्क। और ब्लैक होल एक्चुअली में ऐसे ही आते हैं, बट मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़े हल्के रोस्ट करवाए, क्योंकि फिर ये ना बहुत रोस्ट होने के बाद ना थोड़ा कड़वाहट ले लेता है। और लेकिन ये हमारा स्टॉक कड़वा बिल्कुल भी नहीं है, सबको पसंद आया है। ब्लैक होल तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसलिए सबसे पहले मेरा बैग जो खाली हो रहा है वो ब्लैक होल का खाली होने वाला है। बहुत अच्छे चंग से इसमें, बहुत, ये देखो वाव। और क्ले है यार, इसको थोड़ा सा पट करके पटकोगे टूट जाएगा, बाइट साइज चंक में आने लगेगा, फिर फटाफट फटाफट टूटता है, आप लोगों को पता ही है। ये देखो, दिस इज़ अवर ब्लैक होल। तो प्लीज़ किसी भी सेलर को किसी भी सेलर से कंपेयर ना करें, जिसको जिस हिसाब से परवड़ रहा है या जिसको जितना मार्जिन जिसमें मिल रहा है वो बंदा उस मार्जिन में काम करता है, ठीक है। क्ले बिजनेस में ज़्यादा कोई बहुत लाखों करोड़ों का बिजनेस तो है नहीं, नॉर्मल सा है कि आपका घर चल जाता है, थोड़ा बहुत खर्चे निकल जाते हैं। इसके अलावा कोई इसमें बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं मिलता है, आप लोग समझ लो। अब 210 और 230 रुपए में मैंने नया बॉक्स लिया है, नई पैकेजिंग बैग है, स्टेपलर्स है, वेट मशीन होता है, इतनी सारी स्टॉक्स ऑर्डर करने होते हैं तो कितना सारा काम हो जाता है। बहुत सारी है इसके पीछे बैक ऑफ द एंड। मैं सोच रही हूँ ऐसा एक वीडियो बनाऊँ, आप लोग सजेशन दो, आप लोग कमेंट करो कि आप लोग देखना चाहते हो कि ये जो क्ले बिजनेस है उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं। अगर ऐसा आप लोगों को जानना है तो बताओ कमेंट में, मैं बताऊंगी सारी चीज़ें डिटेल में, ठीक है। वाह, कितना सुंदर है यार, कितना इजीली ब्रेक हो गया मेरे हाथ से। एक तो अभी ये सारे नीचे जो चंक है ना, बहुत बड़े बड़े चंक है, तो बहुत अच्छा। अभी जिसने भी कल भी ऑर्डर दिया था ना, सबको बड़े चंक से ही गए हैं मोस्टली, ठीक है। जिसका जैसा मतलब ऑर्डर है उनको मैंने वैसा दिया है, फिर कुछ चंक निकालने पड़ते हैं, क्योंकि फिर ये एक एक दो दो चंक की वेट बहुत बढ़ जाता है, या तो फिर मैं ब्रेक कर करके डालती हूँ, समझ रहे हो। इसलिए मेरा ब्लैक होल और फुल रोस्टेड थोड़ा बहुत 19-20 के फर्क में है। इसकी इतनी अच्छी स्मेल है ना यार, बहुत अच्छी स्मेल है, बहुत। ये 50 kg की मेरी एक बैग थी, ठीक है, अब उसमें से 10 kg लास्ट रह गया है, फटाफट से ऑर्डर कर लो वरना ये स्टॉक आउट होने वाला है बहुत जल्द ब्लैक होल हमारा, ठीक है। ये देखो, वाव, नई ग्रिप मिल रहा है मुझे, ये ऑलरेडी टूटा है, आप देख लो शेडिंग, ठीक है। नॉन ग्रिटी क्ले है, 100% नॉन ग्रिटी है, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अब ये क्या एक आध चंग बीच में ये ऐसा आ गया तो मैं इसको ब्लैक होल में ना समझूं, मैं इसको अलग अलग बैग में डाल दूं, ऐसा नहीं होता है। जो एक साथ भूनते हैं उसमें एक आध चंग थोड़ा ऊपर रह जाता है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा ना रोस्ट हुआ, बट क्वालिटी उसकी ब्लैक होल की होती है। अब हमें आगे से स्टॉक आया है, मैंने घर में तो नहीं बनाया ना, तो ये ब्लैक होल में ही रखती हूँ फिर, मैं चेंज नहीं करती। जो बैग में जो लिख के आया मैं उसी बैग का उसी चीज़ आपको देती हूँ। अगर आप ब्लैक होल मांगोगे तो ये बैग, आप मांगोगे फुल रोस्टेड तो ये बैग, आप मांगोगे फाफड़ा बटर के तो ये बैग। तो इस तरह से मैंने भी हर बैग पे नाम लिख के रखा है ना। पर ठीक है, कुछ लोगों को क्या ही समझाए, कुछ लोगों का क्या हो जाता है ना, नाम नहीं ले सकते, नाम ले सकते ना तो मैं बताती नाम ले लेके कि कौन सा बंदा क्या क्या बोलता रहता है, बट ठीक है, इग्नोर करो, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। देखो, दिस इज अवर क्ले, दिस इज अवर क्ले, वेरी बिग चंग, नॉट सो हार्ड, सॉफ्ट विथ क्रंची, एंड मैं इसमें मेटालिक टेस्ट होते, ये जो ऐसे क्रंच ऐसे होते हैं ना थोड़े, इससे भी डार्क होने चाहिए तो फिर आपको मेटालिक टेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन सबकी अपनी चॉइस है यार, किसी को नॉन रोस्टेड पसंद है, किसी को रोस्टेड, किसी को ब्लैक होल, किसी को फुल रोस्टेड, तो सबकी अपनी चॉइस है। मेरा पर्सनल फेवरेट तो आपको पता है ब्लैक होल है। ये देखो, अच्छे से टूट रहा है, बहुत अच्छी शेडिंग में चंक्स है, बहुत अच्छे चंक है। अभी और 2-3 क्लेस के ऊपर मेरी बात चल रही है, होपफुली मेरे पास आ जाए तो फिर मैं नया स्टॉक वो भी मंगवाऊंगी,
ठीक है, स्लेट आइटम और क्ले पॉट्स वगैरह मैं फिलहाल नहीं रख रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर मिलती है, तो अगर मैं वो चीज़ें लाऊंगी भी ना तो मेरे को रेट इतना ज़्यादा महंगा देना पड़ेगा, फिर आप लोग बोलोगे मैं बहुत महंगा सेल कर रही हूँ, ठीक है। बट ये नहीं सोचोगे कि मैं ऑलरेडी किसी एक जगह से यहाँ तक ला रही हूँ, अब वो जो यहाँ तक लाने का मेरा ट्रांसपोर्टेशन जाता है, GST लगाता है हर सप्लायर, वो जाएगा, फिर यहाँ से जब मैं सेल करूँगी तो मैं अपना थोड़ा सा तो मार्जिन रखूँगी, मेरी जो चीज़ें यूज़ हुई है उन चीज़ों का, बराबर। तो बस यही बात है, बट ठीक है, हमारा स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से धीरे 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 करके निकल रहा है और ऑलमोस्ट निकल ही गया है, सारे बैग्स ऑलमोस्ट हाफ हाफ हो चुके हैं, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो डेफिनेटली एक बार ब्लैक होल को ज़रूर ट्राई करना, जिसको रोस्टेड क्ले पसंद है। और आप लोग जो 30-40 रुपये बताता है ना कि यहाँ पे हमारे यहाँ तो 30 रुपये में मिल जाता है, 20 रुपये में मिल जाता है, तो ये एक बात बताओ, इतनी सारी वैरायटी मिलती है, इतना नीट क्लीन स्टॉक मिलता है, कैसे कचरे की जैसे रखा होता है मुझे पता है, ठीक है, और कैसा अंदर क्वालिटी होता है वो भी मुझे पता है। और मेरे कुछ कस्टमर इतने अच्छे हैं, मतलब मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं बिजनेस स्टार्ट करके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोग मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हो, उन लोग रिपीट ऑर्डर भी दे रहे हैं। सोचो कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम ऑर्डर देने में इतना उनको फील हो जाता है कि क्योंकि मैं प्री पेमेंट मांग लेती हूँ, अभी प्री पेमेंट ही होगा ना यार, 210-230 के लिए मैं कहाँ आपके घर तक थोड़ी ना आऊँगी, और आज की डेट में तो ये सब नॉर्मल हो गया, मेरे वीडियोस जाते हैं एवरीडे, तो क्या मैं आपके ये इतने से पैसे लेके कहीं भाग जाऊंगी क्या? मुझे इतनी हंसी आती है ना, कोई बंदा मेरे मुंह पे ना बोलता है मुझे लगता है अच्छा हुआ जाने दो, जिसकी जितनी बुद्धि ना वो उसी हिसाब से काम करता है, ठीक है। लोग यार 3-3 kg, 5-5 kg, 8-8 kg, 10-10 kg ऑर्डर कर रहे हैं प्री पेमेंट के साथ, मैंने इतना बड़ा बल्क मंगवाया प्री पेमेंट के साथ, एक विश्वास होता है किसी का बात करने का नेचर किसी के साथ, मैं व्हाट्सएप पे भी कितना ज़्यादा एक्यूरेटली ऑनलाइन अवेलेबल होती हूँ पता है आप लोग को, हर कस्टमर को इमीडिएट आंसर ही देने की ट्राई करती हूँ, बहुत रेयरली होता है कि मैं थोड़ा टाइम लेके आंसर दूँ, बट मैं बहुत एक्टिव रह के ये काम कर रही हूँ, और जो लोग समझ पा रहे हैं उनको पता है मैं कितना हार्डवर्क कर रही हूँ, तो थैंक यू सो मच मेरी जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस बिजनेस में मेरा सपोर्ट करने के लिए। और बाकी एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जिन जिन को मेरा पार्सल रिसीव हो रहा है आप लोग भी चाहो तो अनबॉक्सिंग वीडियोस बना के मुझे दे सकते हो, ताकि मैं शेयर करूं बाकी जो मेरी जनता है उनके साथ, ठीक है। ये वाला चंक मैंने शायद 3 बार उठाया बट ये टूटा नहीं रहा, और ये हमारा स्टॉक, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ना, ये वाला जो लास्ट का स्टॉक है ना, वाओ, अभी बहुत है वैसे, है अभी इसके नीचे बहुत है अच्छा खासा है, मतलब मैं ऐसा और निकालती जाऊंगी। ये क्ले वजन कितना होता है यार, बहुत वेट होता है इसमें, इसको मेंटेन करना भी बहुत टफ है, ठीक है। तो बताऊंगी मैं, अगर आप लोग डिमांड करोगे ऐसे वीडियो की तो कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह पे मुझे फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करो, बनाऊंगी फिर आप लोगों के लिए वीडियो, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये ब्लैक होल देखो, ब्लैक होल में कुछ चंक्स वाइट भी आ जाते, ठीक है, तो इसमें ये मेरी गलती नहीं होती है, और इसको मैं अलग भी नहीं करती, ये बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि ये जो क्वालिटी की मिट्टी होती है ना, वो लोग उसके अकॉर्डिंग उसको रोस्ट में डालते हैं, ये जो अंदर का ये मिट्टी है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको डाला जाता है, जब से ये जैसे कि सबसे नॉन रोस्टेड में भी सबसे ज़्यादा हार्ड मिट्टी होती है, तो उसको फिर ब्लैक होल में डाला जाता है, थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तो वो हाफ रोस्टेड और फुल रोस्टेड में जाती है, वैसा होता है, ठीक है। वाओ, ये है सबसे अच्छा चंक, ये मुझे ऐसे जो पतले पतले चंक होते हैं ना, मेरे बहुत फेवरेट होते हैं, बट ये इसी में से टूट के बने होते हैं, देखो है ना सुंदर। चलो आज की वीडियो में इतना ही, अब सारे लोग ऐसे चंक मत डिमांड करने लग जाना, ये पूरे बल्क में 2-4 चंक ऐसे पतले से निकल जाते हैं, अदरवाइज सब राउंड में ही होते हैं, वो जो शेप टूट टूट के वैसे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं जो स्टॉक दिखाती हूँ उसके बाद उसी स्टॉक की डिमांड आती है, ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलो मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय बाय।